कितनी बार बोला मुझे नहीं चाहिए ये जैकेट। देखो अगर ज्यादा तबीयत खराब है ना तो ठंडा ठंडा पानी नहीं गर्म पानी से काम करना है। मैम साहब वो तो कबाड़ कौन सा बेचना है आपने? यही रखा है कबाड़, उठा लो ये सब। एक मिनट। वो हाँ हाँ वो सिलेंडर ना मैं घर आके भरवा दूंगा, ठीक है? हाँ फोन काटता हूँ। मेम साहब ये कोट भी ले लूं मैं? हाँ हाँ इसको भी ले जाओ अपने साथ। एक मिनट, ऐसे कैसे ले जाओ? अरे एकदम नई जैकेट है यार। ये लो जी, नई जैकेट है। कदर है कि नहीं है किसी चीज की? और अंकल जी आपके पास सर्दी के कपड़े नहीं है क्या? ये क्या फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं आपने? है तो साहब। अरे हैं तो पहना करो ना। और वैसे भी ऐसे कपड़े पहन के ठंड में बाहर निकलोगे ना तो ठंड लगेगी। आज तो वैसे ही कोहरा बहुत हो रहा है। वो क्या है ना कि जैकेट तो है लेकिन वो मैंने अपनी बीबी को दे रखी है, वो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उन्हें दे दी? हर एंगल पर निकलते तो बाहर आप हो ना, आपको ठंड लग गई तो? वो तो घर पे रहती है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो ना काम जो करती है ना वो पानी का काम है तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है पानी से ना, इसलिए तो ठंड ना लगे जैकेट मैंने उसको दे दी थी। अरे तो आपके पास पैसे नहीं है क्या? नए कपड़े खरीद लो अपने लिए। नहीं साहब पैसे इतने नहीं है कि मैं जैकेट खरीद सकूं, तो ऐसे ही काम चला रहा हूं, क्या करूं। अच्छा अंकल आप एक काम करो, ये जैकेट भी ले जाओ। नहीं नहीं साहब इस जैकेट को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं नहीं पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम इसे ऐसे ही ले जाओ। और वैसे भी इसकी कदर किसी को है भी नहीं यहाँ पर, आपकी बीवी पहनेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। देखना आ तो जाएगी आपकी बीवी के। हाँ साहब ये जैकेट बहुत अच्छी है और नाप की भी है, उसे आराम से आ जाएगी। ये लो फिर ले जाओ। अरे वाह साहब ये जैकेट तो बहुत अच्छी है, और पता है साहब जब ये जैकेट मैं अपनी बीवी को दूंगा ना तो बहुत खुश होगी और पूरे मोहल्ले में गाती फिरेगी कि उसका पति उसके लिए इतनी बढ़िया जैकेट लेकर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ज्योति ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, जैकेट है ना कितनी प्यारी। ये जैकेट कितनी बेकार है, और तुम मेरे लिए इतनी गंदी जैकेट कैसे लेकर आए हो? इतनी सस्ती जैकेट है, और मैंने तुम्हें क्या बोला था तुम मेरे लिए व्हाइट कलर की जैकेट लेकर आना, तुम ये ब्लैक लेकर आ गए। ज्योति तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम ध्यान से देखो जो तुम्हें कपड़ा पसंद है वही वाला कपड़ा है। ऐसा लग रहा है किसी रोड की मार्केट से उठाकर लेकर आए हो, इतनी घटिया लग रही है और देखने में कितनी गंदी लग रही है। और तुम्हें पता है धर्मेंद्र मेरे पास ब्लैक कलर की जैकेट्स ऑलरेडी बहुत सारी हैं, तो तुम ये ब्लैक कलर की जैकेट फिर क्यों लेकर आ गए? और अगर तुम्हें जैकेट लेकर आनी थी तो मैंने तुमसे क्या बोला था तुम्हें कुछ समझ ना आए कलर तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लेना, तुमने करा नहीं ना, और तुम्हें अपनी पसंद से ब्लैक कलर उठा के लेकर आ गए। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना। सॉरी ज्योति इतना गुस्सा मत करो, मेरे को ध्यान नहीं आया कि मैं वीडियो कॉल कर लूँ तुम्हें, पर अगर मैं ये लेके ही आ गया हूँ तो तुम इसे घर घर में पहन लेना और इससे मेरा दिल भी बहल जाएगा। धर्मेंद्र मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे ये जैकेट पसंद नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये जैकेट। अच्छा साहब आपके ना सारे कबाड़ के 200 रुपये हो गए, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये सामान हमारे किसी काम का नहीं है, कबाड़ में पड़ा हुआ था, एक काम करो आप ले जाओ। साहब आज के जमाने में आप जैसा महान आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझ जैसे गरीब की इतनी मदद कर रहा है, इतनी अच्छी जैकेट दी और कबाड़ के पैसे भी नहीं ले रहा। आप बहुत अच्छे हैं साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है ज्योति तुम्हारे में और इन अंकल में फ़र्क क्या है? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पर इन अंकल के पास एक भी ऑप्शन नहीं है। जिस जैकेट को तुम फेंक रही थी ना वही जैकेट अंकल जी उठा के ये बोल रहे हैं कि ये जैकेट पहन के उनकी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, मोहल्ले में गाती फिरेगी कि उनका हस्बैंड उनके लिए नई जैकेट लेके आया है। तो ज्योति मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ
कि जितना भगवान ने हमें दिया है ना, हमें उतने में खुश रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों का तो ये सपना होता है कि वो हमारी जैसी लाइफ जी सकें, तो प्लीज़ समझो इसको।